हाय फ्रेंड्स, मैं सेफ जिग्नेश शाह। आज हम चिमनी की हाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबको मालूम है कि बॉयलर पावर प्लांट के अंदर हम चिमनी यूज़ करते हैं ताकि फ्लू गैसेज जो होती है वो बाहर हवा में एटमोसफेयर में जा सके, ताकि अंदर दूसरी फ्रेश एयर अंदर आ सके। जनरली ये नेचुरल ड्राफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसकी हाइट भी स्पेसिफिकली जिस हमें चाहिए उसी हिसाब से ही होनी चाहिए। तो उस पर एक प्रॉब्लम बेस है हमारा कि हाइट हमें दे दी है चिमनी की। इनलेट हमारे जो चिमनी के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर 288 डिग्री है। आउटसाइड जो कोल्ड एयर है आउटसाइड एयर विच इज़ 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है जो अवेलेबल ड्राफ्ट है विच इज़ 80% ऑफ थियोरेटिकल ड्राफ्ट एंड द मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज 18 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। ओके, ये हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। क्या है एच? हमारा हाइट ऑफ चिमनी है कि कितनी हाइट है हमारी चिमनी की। ओके, मास हमारा कितना यूज हुआ है, एयर मास मतलब एयर फ्यूल बर्न करने के लिए हम कितना मास ऑफ एयर यूज कर रहे हैं। टी ए मतलब आउटसाइड एयर टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी से इनलेट फ्लू गैसेस टेम्परेचर ऑफ चिमनी विच इज 288 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और जो फार्मूला यूज होगी वो ये फार्मूला है। ठीक है, एच हमें फाइंड आउट करना है, एच हमारा हेड ऑफ इक्वेशन है। ओके, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें 16.1 mm ऑफ HG मिलेगा। HG मतलब वाटर कॉलम। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 80% ऑफ थियोरेटिकल ड्राफ्ट है, थियोरेटिकल वाटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ओके, ये हमें थियोरेटिकल मिला। अवेलेबल हमारा 80% है, यानी 0. इसको हम 80% को हम गेन में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 100 करके। ओके, तो हमें मिल जाएगा अवेलेबल हाइट ऑफ वाटर कॉलम। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।